समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संबल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे, जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। सर, जो जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है वो भी जो निचली अदालत का आदेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है सर। अब कोर्ट में आने के बाद मामला कोर्ट का है, बड़ा कोर्ट है, देखें क्या होगा। सर, एक बड़ी याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लगाई है, उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के आदेश होते हैं दावों को लेकर उससे निचली अदालतों को करने से रोका जाए। अब देखिए क्या होता है, वो वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, चिन्मय दास कृष्ण जो कृष्ण का मामला है सर, उसको लेकर कलकत्ता में सर विरोध हुआ है, बांग्लादेश एम्बेसी में भी लोग गए कि भी वहाँ जो माइनॉरिटी है उसकी रक्षा की जाए, उनको रिलीज किया जाए। तो वो तो अन्याय हो ही रहा है वहाँ। ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो है नहीं, हम लोग भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं।